पीएम मोदी आज यूपी को देंगे बड़ी सौगात। कुशीनगर में राज्य के तीसरे और देश के 29वें इंटरनेशनल एयरपोर्ट का करेंगे उद्घाटन। सुबह करीब 10 बजे कुशीनगर पहुंचेंगे पीएम मोदी। सबसे पहले एयरपोर्ट के उद्घाटन समारोह में शिरकत करेंगे। कुशीनगर में बौद्ध धर्म के अभिधम्मम दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे प्रधानमंत्री। महापरिनिर्वाण मंदिर में होगा अभिधम्मम दिवस कार्यक्रम। कुशीनगर में एक मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री मोदी, इसके अभी उद्घाटन करेंगे। सीएम योगी बोले, यूपी के तीसरे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से विकास को नई उड़ान मिलेगी, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। कुशीनगर एयरपोर्ट को लेकर एसपी अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला, कहा कि एसपी के कामों का उद्घाटन कर कीर्तिमान नहीं बनाना चाहिए। आज सीबीसी और सीबीआई की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। पीएम मोदी आज ग्लोबल ऑयल एंड गैस सेक्टर के सीईओ विशेषज्ञों से करेंगे बातचीत। शाम को 6 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद करेंगे। ऑयल एंड गैस सेक्टर के विशेषज्ञों से छठी बार बातचीत करेंगे पीएम मोदी। 2016 से शुरू हुआ यह सिलसिला। हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में खोज उत्पादन बढ़ाने, स्वच्छ विकास और स्थिरता पर भी चर्चा होगी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद आज देशव्यापी प्रदर्शन करेगी। कोलकाता में बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमिश्नर को वीएचपी की चिट्ठी, हिंदुओं पर हुई हिंसा पर नाराजगी जताई। कोलकाता में इस्कॉन के वाइस प्रेसिडेंट का ऐलान, बांग्लादेश में हुई हिंसा को लेकर 23 अक्टूबर को पूरे दुनिया भर में करेंगे प्रदर्शन। बांग्लादेश में हिंदुओं के हत्याकांड पर बोले गृह राज्य मंत्री निशित परामाने, कहा कि मामले पर भारत सरकार की कड़ी नजर है। बांग्लादेश के हालात पर यूएन ने भी जताई चिंता, शेख हसीना सरकार से निष्पक्ष जांच की नसीहत दी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुई हिंसा पर बोली पीएम शेख हसीना, कहा कि हमला करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई, ढूंढ ढूंढ कर सजा देंगे। कश्मीर में टारगेट किलिंग पर वीएचपी की मांग, महामंत्री सुरेंद्र जैन ने कहा कि पाकिस्तान को शत्रु देश घोषित करे भारत। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने भारत बनाम पाकिस्तान मैच का विरोध किया, कहा कि खेल मंत्री अनुराग ठाकुर को लिखेंगे पत्र। लखीमपुर खीरी हिंसा पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में एसआईटी ने कुछ संदिग्धों की तस्वीरें जारी की है, लोगों से संदिग्धों के बारे में सूचना देने की अपील की है। अयोध्या में आरएसएस का सबसे बड़ा समागम शुरू, मोहन भागवत पहुंचे, 3 दिन तक राम नगरी में रहेंगे भागवत। अयोध्या में आरएसएस के इस सबसे बड़े कार्यक्रम में देश के 45 प्रांतों के से करीब 400 संघ प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर बैठक, सूर्य की किरण रामलला तक पहुंचाने को लेकर बातचीत हुई। उत्तराखंड में बारिश और बाढ़ के दौरान मरने वालों की तादाद 47 तक पहुंची, अकेले कुमाऊं में 42 लोगों की जान गई। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। सीएम धामी ने मुआवजे का ऐलान किया, मृतकों के परिजनों को 4 लाख की मदद दी जाएगी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी का भी दौरा किया, बाढ़ में बहे पुल का जायजा लिया। इंडियन एयरफोर्स ने पंतनगर में रेस्क्यू कर 3 ध्रुव हेलीकॉप्टर के लिए लगाए। सुंदरखल गांव के पास से 25 लोगों को बचाया गया। रुद्रप्रयाग में एनडीआरएफ ने चलाया बचाव अभियान, पानी में फंसे लोगों को बचाया गया। नैनीताल के माल रोड से डराने वाली तस्वीर सामने आई, कई गाड़ियां पानी में डूबी, लोगों को रेस्क्यू किया गया। लाहौल स्पीति में बर्फबारी में फंसे टूरिस्ट को रेस्क्यू किया गया, भारतीय जवानों ने दिलेरी दिखाई। केरल में भी अभी और मूसलाधार बारिश के आसार, मौसम विभाग ने कई जिलों में 21 अक्टूबर तक येलो अलर्ट जारी किया है। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का बड़ा सियासी धमाका, नई पार्टी बनाने का ऐलान। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने विधानसभा चुनाव में समान विचारधारा वाले पार्टियों के साथ गठबंधन के भी संकेत दिए। पंजाब के कैबिनेट मंत्री प्रगट सिंह का अमरिंदर सिंह पर निशाना, बोले कि मैंने पहले कहा था अकाली दल से मिले हुए हैं कैप्टन, बीजेपी से तय होता है उनका एजेंडा। यूपी चुनाव से पहले प्रियंका गांधी का बड़ा ऐलान, कांग्रेस विधानसभा चुनाव में 40% महिलाओं को टिकट देगी। यूपी में कांग्रेस का नया नारा, लड़की हूं लड़ सकती हूं, पोस्टर किया जारी। कांग्रेस के महिला कार्ड पर मायावती का अटैक, महिलाओं को 40% टिकट देने की चुनावी नाटकबाजी बताया। क्रूज केस में आर्यन खान की जमानत अर्जी पर आज फैसला आ सकता है। मुंबई की आथर रोड जेल में बंद है आर्यन खान। दिल्ली के बिंदापुर में एक लड़की की सरेआम हत्या, पूर्व प्रेमी ने चाकू से ताबड़तोड़ हमले किए। ग्रेटर नोएडा के दादरी में एक सिरफिरे ने लड़की को गोली मारी, लड़की की मौत, लड़की की हत्या के बाद खुद को भी गोली मारी। देश में लगी 99 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडावी ने कहा कि जल्द ही पूरा होगा 100 करोड़ का लक्ष्य। देश में एक दिन में कोरोना के 14,933 नए मामले सामने आए, 24 घंटे में 199 लोगों की जान गई। नॉर्थ कोरिया ने फिर किया बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण। T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की पहली जीत, ओमान को 26 रन से हराया। वर्ल्ड कप में लगातार दूसरी जीत दर्ज करते हुए स्कॉटलैंड ने पापुआ न्यूगिनी को 17 रन से हराया। T20 वर्ल्ड कप में भारत का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरा वार्म अप मैच आज दोपहर 3:30 बजे खेला जाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।